नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अब हम आ गए हैं हिल्स पे टाटा सफारी का माइलेज टेस्ट करने। तो चलिए सबसे पहले फुल कराते हैं यहाँ पे डीजल, उसके बाद आपको दिखाते हैं दोबारा कुछ किलोमीटर्स के बाद फुल करा के कि आखिर कितनी माइलेज ये दे रही है। तो चलिए दोस्तों फुल करा लेते हैं आप गाड़ी को, और वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डीजल का रेट 82 है। देखते हैं आखिर कितनी माइलेज देती है ये टाटा सफारी। भाई पर्ची निकल जाएगी, पर्ची निकल जाएगी दोस्तों। मीटर की तरफ देखेंगे, देखते हैं आखिर कितना पेट्रोल आता है इसमें, डीजल सॉरी। और नियर टू एम्प्टी था इस टाइम फ्यूल, तो ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर इसके फ्यूल टैंक में कितना डीजल आ जाता है। बाकी अभी आपको आगे आके किलोमीटर दिखाते हैं। बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं कि हिल्स पे माइलेज टेस्ट आपको आज तक किसी ने दिखाया है या फिर नहीं, क्योंकि हम आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट हमेशा लेके आते हैं। तो दोस्तों इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाने की। एक बार व्यू की तरफ नज़र मारिए, क्योंकि डीजल में तो टाइम लगेगा अभी। और ये देखिए कुछ इस तरह का व्यू है पहाड़ों का। बर्फ़ को तो हम पीछे छोड़ा है, बट अभी काफ़ी सारा चलना बाकी है हमें इसी पहाड़ों में। ग्यारह सौ पचास पे कट लग गया है भाई, और आएगा। दोस्तों यहाँ पे कट लग चुका है मशीन में, बट अभी तक हमारी गाड़ी फुल नहीं हुई है, और मुझे अंदाज़ा है कि 5-5.5 हज़ार का डीजल तो इसमें आ जाना चाहिए। देखते हैं आखिर क्या रिस्पांस रहता है। बाकी दोस्तों टाटा सफारी या फिर किसी भी और गाड़ी का कोई भी रिव्यू आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ के हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए वो भी ज़रूर लेके आएंगे। अब पूरा ध्यान रखते हैं अपने मीटर की तरफ, और आखिर देखते हैं कितना डीजल यहाँ पे आ जाता है। 82.21 का रेट है, इतना लीटर डीजल आ रहा है, और ये हमारा अमाउंट बन रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कट लग चुका है, नहीं ऑटो कट तक फुल कराते हैं, और ऑटो कट टू ऑटो कट चेक करेंगे कि आखिर कितना डीजल ये पी रही है। 3800 रुपये का डीजल आ चुका है, 46.25 लीटर। तो चलिए दोस्तों अभी आपने देखा हमने रिफ्यूल करा लिया है, एक बार पर्ची पे, और अपना स्पीडोमीटर आपको दिखा देते हैं ताकि एग्जैक्टली पता चल सके कि क्या फ्यूल इसने लिया है। यहाँ पे देखेंगे तो 17 दिसंबर, टाइम हो रहा है 2:44, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 3802 रुपये का डीजल, 46.25 लीटर। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप अभी भी हमारे सामने ही है, और अब आपको लेके चलते हैं अपने स्पीडोमीटर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके सामने फ्यूल फुल हो चुका है गाड़ी का। एक बार गाड़ी को ये देखिए 24,647 किलोमीटर ये चल चुकी है, और अब हम इसे चलाने वाले हैं हिल्स में। एक बार ट्रिप बी को ज़ीरो कर देते हैं, और फिर कुछ किलोमीटर के बाद चला के आपको दिखाएंगे कि ट्रिप बी में क्या माइलेज आ रही है, और एक्चुअल टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि कितना फ्यूल इसमें और आ जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कुछ किलोमीटर्स के बाद, तब तक आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करिए पहाड़ों की, क्योंकि व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. जैसा कि आपने देखा हर 10 किलोमीटर में आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या MID शो कर रहा है, क्या फ्यूल लेवल है, और इन दी एंड आपको बताएंगे कि कैसा रिस्पांस रहा टाटा सफारी की माइलेज का। दोस्तों इस टाइम जो ये शो कर रही है ये मेरे लिए भी मानना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल चेक करना हमारा काम है, आपको दिखाना और आपको बताना दोनों हमारा काम है। इको मोड में हम गाड़ी को चला रहे हैं ऑल टाइम। यहाँ पर आप देखेंगे तो इको मोड एक्टिवेट हो रखा है। गाड़ी में इस टाइम 3 पैसेंजर हैं, और फुल लोड के साथ गाड़ी है, क्योंकि तीनों पैसेंजर्स का लगेज भी है। उसके अलावा आपको यहाँ पे दिखाऊं MID की तरफ देखेंगे अगर आप,
तो 10.4 किलोमीटर जब से फ्यूल अप करवाया गाड़ी मैं चला चुका हूँ और माइलेज यहाँ पे दिखा रही है 23.1। दोस्तों टाटा सफारी जैसे बड़े साइज़ की गाड़ी में अगर ऐसी माइलेज आपको पहाड़ों पे इको मोड में देखने को मिल जाए तो इससे बढ़िया गाड़ी मार्केट में शायद ही कोई होगी। और यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो एसी वगैरह सब कुछ इस टाइम मैंने ऑफ़ रखा हुआ है क्योंकि सर्दियों का मौसम है। और यहाँ पे अगर आप टाइम देखेंगे तो टाइम इसमें गलत दिखा रहा है जो कि मैं अभी रीसेट नहीं कर पाया हूँ, तो टाइम आप साथ साथ देखते चल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, 2:31 का टाइम हुआ है और अराउंड कुछ ही देर पहले मैंने रिफ्यूल कराया था। तो चलिए चलते हैं और आगे आपको फिर मिलते हैं 10 किलोमीटर के बाद। आप देख सकते हैं वैसे तो हम डाउन हिल पे हैं पर बीच बीच में आपको यहाँ पे चढ़ना ही पड़ जाता है, ब्रिजेज हैं, ट्रैफिक है, बीच में अगर आपने टाइम लैप्स में नोटिस किया हो तो बैरिकेडिंग मिली थी वहाँ पे भी हमारी स्टॉपेज हुई है। बट उसके बाद भी जो ये MID शो कर रहा है अनबिलीवेबल माइलेज है। अभी आपको दिखाता हूँ 900 मीटर के बाद हमारे 20 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें माइलेज से रिलेटेड जितनी भी हैं डिपेंड्स ऑन एक तो व्हीकल और दूसरा ड्राइवर। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सफारी आपको 25 की माइलेज देती है, बट ये भी नहीं कहूँगा कि सफारी आपको 10 की माइलेज देती है। ये डिपेंड करता है कि आप किन कंडीशंस में कैसे इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे हमारा सिटी मोड कन्वर्ट हो गया जब हमने लास्ट बैरियर पर स्टॉप किया, वापस से इसे इको मोड पर डाल देते हैं। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेट हो चुका है और अब अगर आप स्पीडोमीटर की तरफ ध्यान देंगे तो मेरी स्पीड कोई कम नहीं चल रही, 60-70 के करीब मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पे MID की माइलेज आप देखेंगे तो 23.5 दिखा रही है, वो भी लास्ट 20 किलोमीटर की। तो दोस्तों अगर 23.5 ये दिखा रही है और नियर अराउंड ये 18 भी दे देती है तो इस साइज़ की गाड़ी के लिए इससे अच्छी माइलेज शायद ही अचीव कर पाना आसान हो। मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छी माइलेज है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और ये माइलेज की एक्सपेक्टेशन बताइए कि इस वीडियो के एंड तक इसमें कितने का फ्यूल आ जाना चाहिए। लाइक ज़रूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट 10 किलोमीटर के बाद। दोस्तों थर्ड स्लॉट आ चुका है हमारे इस वीडियो का और आपको स्पीडोमीटर दिखा देते हैं। तो 29.8 किलोमीटर्स ये व्हीकल ड्राइव हो चुकी है और माइलेज दिखा रहा है 25.2 का, एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। और देखते हैं क्या माइलेज आता है क्योंकि अब तो मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूँ कि क्या इतनी बड़ी गाड़ी 2 लीटर का इतना बड़ा फीएट का डीजल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। दोस्तों मैनुअल होता तो शायद बात कुछ और होती, बट ऑटोमेटिक के साथ अगर ये माइलेज ये शो कर रही है और इससे एक दो क्या अगर 5 की कम भी दे जाती है, 20 की माइलेज एक्चुअल में दे जाती है तो एक बहुत बड़ी बात रहने वाली है। बट दोस्तों एक गलती हमारे से शुरू में हो चुकी है, वो ये है कि पेट्रोल पंप ने जो हमें पर्ची दी थी उस पर टाइम गलत आ रहा था, प्लस हमारी गाड़ी में भी टाइम गलत आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में ज़रूर रखनी पड़ेंगी क्योंकि हमारा माइलेज टेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है 34 मिनट हमने गाड़ी ड्राइव करी है और 2:55 का टाइम हुआ है, तो अराउंड 34 मिनट इसमें से घटा लेते हैं तो आप देखेंगे अराउंड 2:20 के अराउंड हमने इस वीडियो को स्टार्ट करा है और 2:55 पे हमारी व्हीकल 30 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। मिलते हैं आपसे अगले 10 किलोमीटर के बाद। दोस्तों अब रास्ता आ चुका है अपहिल का और अपहिल में मैंने स्पोर्ट मोड लगा दिया। अगर यहाँ पे आप देखेंगे
तो इस टाइम गाड़ी ड्राइव हो रही है स्पोर्ट मोड के अंदर, और स्पोर्ट मोड प्लस अपहिल की वजह से अब माइलेज ड्रॉप हो चुकी है MID के अंदर। एक्चुअल माइलेज अभी भी पता लगने बाकी है। और 40 किलोमीटर गाड़ी चला ली, 60 किलोमीटर के बाद एग्जैक्टली कोशिश करूँगा, हालांकि हिल्स में पता नहीं है फ्यूल पंप कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, बट कोशिश करूँगा एग्जैक्टली 100 किलोमीटर पे गाड़ी फ्यूल पंप पे खड़ी कर दी जाए। मीटर देखेंगे एक बार, तो यहाँ पे आप देखेंगे 39.9, यानी कि एग्जैक्टली 40 किलोमीटर व्हीकल ड्राइव हो चुकी है। और माइलेज अभी तक जो मैं आपको दिखा रहा था 23-24 की MID दिखा रही थी, अब ये ड्रॉप होके आ चुकी है 20.6 पे। अब देखिए, अपहिल है और स्पोर्ट मोड है तो कुछ तो असर पड़ेगा, फुल लोड के साथ है तो ये माइलेज भी बुरी नहीं है, बट ये रिसेंटली ड्रॉप होती जा रही है, देखते हैं कितनी देर तक ड्रॉप होती है, और 10 किलोमीटर के बाद फिर से फीडबैक दिखाते हैं। तो दोस्तों, आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका है और आधा माइलेज टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। 50 किलोमीटर चला लिया है टाटा सफारी को, और अब अपहिल और स्पोर्ट मोड की वजह से माइलेज कॉन्स्टेंटली ड्रॉप होती जा रही है। गाड़ी यहाँ खड़ी है, अगर आपको MID की तरफ दिखाऊं तो यहाँ से आप देखेंगे। तो दोस्तों, हमने 1 घंटा 1 मिनट लिया है जिसमें हमारी एवरेज स्पीड रही है 49 किलोमीटर की, और माइलेज इस टाइम ड्रॉप होके 18.9 की हो चुकी है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं आखिर क्या रिस्पॉन्स रहता है माइलेज का, कैसी परफॉर्मेंस ये गाड़ी देती है, क्योंकि अब कॉन्स्टेंटली हमें अपहिल जाना है और रोड भी ख़राब होती जा रही है। लास्ट 2-10 किलोमीटर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि माइलेज कॉन्स्टेंटली ड्रॉप हो रही है, और देखते हैं आखिर इतनी हैवी गाड़ी क्या परफॉर्म करती है माइलेज में, वो भी हिल्स के ऊपर। दोस्तों, हिल्स में आपको पता ही है, कभी अपहिल कभी डाउनहिल, और रफ रोड ऑफ रोडिंग तो चलती ही रहती है। तो चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर और मिलते हैं आपसे 10 किलोमीटर के बाद। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्पीडोमीटर, तो हमारी कांस्टेंट स्पीड कम होती जा रही है, प्लस आप देखेंगे तो माइलेज भी कम होती जा रही है। रोड कंडीशंस आगे देखेंगे तो जगह जगह हमें टूटी हुई रोड का सामना करना पड़ रहा है, और मेन रीज़न ये ही है माइलेज ड्रॉप होने का। उसके अलावा दोस्तों, आपको बता दूँ, अपहिल डाउनहिल तो चलता ही रहता है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 घंटा 17 मिनट हमें हो चुके हैं इस माइलेज टेस्ट को स्टार्ट करें, 60 किलोमीटर हम चला चुके हैं गाड़ी को, और आगे देखेंगे तो इस तरह के जानवर भी आ जाते हैं रोड पे। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान आपको रख के चलना है। माइलेज की अगर बात करी जाए बेसिकली, तो यहाँ पे 18 की शो कर रही है, आप देख सकते हैं, और उसके अलावा हमारी स्पीड दिखा रहा है 46 की, जो हमने मेंटेन कर पाए हैं। टाइम की अगर बात करूं, तो 3:41 का टाइम इस टाइम हो चुका है। यही कुछ चीज़ें हैं, चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं आपसे 10 किलोमीटर के बाद। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. तो दोस्तों, 10 किलोमीटर और कवर हो चुके हैं, और अब कुछ ही देर में एंड होने वाला है ये वाला वीडियो। माइलेज वापस से बढ़ चुका है, 18.9 की तरफ आ चुका है। स्पोर्ट मोड पे मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, और मेरी कांस्टेंट स्पीड कम होती जा रही है, क्योंकि रोड कंडीशंस बीच में ख़राब आ गई थी, प्लस अपहिल था। अब देखते हैं ओवरऑल कैसा रिस्पॉन्स रहता है। 1.5 घंटा हो गया गाड़ी चलाते हुए, और लगभग 70 किलोमीटर कवर कर लिया, जिसमें ये माइलेज शो कर रहा है 18.9, यानी कि रफली हम बोल सकते हैं 19 की। तो ये माइलेज भी काफ़ी अच्छी है। और उसके अलावा दोस्तों, अगर आप फ्यूल को देखेंगे तो फ्यूल बिल्कुल भी नीचे नहीं आया,
जो कि एक हैरानी की बात है, क्योंकि 70 किलोमीटर में कहीं ना कहीं अगर ये एवरेज अच्छी दे रही है तो कुछ तो नीचे आना चाहिए था। अब देखते हैं क्या है इसका भी राज। चलिए दोस्तों, वापस से 10 किलोमीटर और कवर हो चुके हैं और लास्ट 20 किलोमीटर रह गए हैं इस माइलेज टेस्ट के लिए। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है फ्यूल पंप का कि आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बट देखते हैं, कोशिश करते हैं, आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखेंगे तो 18 की माइलेज शो हो रही है, 1 आवर 46 मिनट्स हो चुके हैं और 79.8 किलोमीटर मेरी कार ड्राइव हो चुकी है। काफ़ी देर हो गई मैं स्पोर्ट मोड में चला रहा हूँ, तो अब आपके सामने इको मोड में गाड़ी को डाल दिया मैंने और अब बाकी के बचे हुए किलोमीटर दोबारा से इको मोड में चलाते हैं। तो ये वाला जो हमने टेस्ट आपको दिखाया, ये बेसिकली थोड़ा स्टार्टिंग में रहा इको मोड में, उसके बाद स्पोर्ट मोड लगा दिया था क्योंकि अपहिल और ख़राब रोड आ गई थी, और अब लास्ट में दोबारा से इको मोड में लगा दिया। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हमने हाफ इको मोड में और हाफ इसे स्पोर्ट मोड में ड्राइव किया है। फाइनली मिलते हैं आपसे अगले शॉट में, और वो लास्ट शॉट रहने वाला है, उसके बाद सीधा फ्यूल अप कराएंगे इस गाड़ी को। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो दोस्तों, लास्ट 10 किलोमीटर बचे हैं इस टेस्ट के, अभी एक फ्यूल पंप पीछे गया है। कोशिश करूँगा कि वापस जाके उसी से फ्यूल अप करा लिया जाए, क्योंकि एग्जैक्टली 100 किलोमीटर पे आपको इसकी माइलेज दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हिल्स में माइलेज टेस्ट आपको कोई नहीं दिखाता, बट हम दिखाते हैं। और लास्टली अब 10 किलोमीटर पहले एक बार आपको दिखा देते हैं कि अभी तक का क्या फीडबैक रहा है इस गाड़ी की माइलेज का। दोस्तों, बीच में 10 मिनट हमने ब्रेक लिया था, उसके अलावा नॉनस्टॉप गाड़ी हम लेके आए हैं। मीटर पे अगर आप नज़र डालेंगे तो 2 घंटे 3 मिनट हो चुके हैं इस माइलेज टेस्ट को शुरू हुए। उसके अलावा 43 किलोमीटर पर आर की स्पीड रही है हमारे इस माइलेज टेस्ट में, एवरेज स्पीड है ये, और पहाड़ों पे इससे ज़्यादा स्पीड मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है। बीच में सिटी भी आई थी तो वहाँ पे स्पीड काफ़ी कम रखनी पड़ी थी। उसके अलावा माइलेज आप देखेंगे तो 18.2 KMPL की ये माइलेज दिखा रहा है मुझे, जो कि एक काफ़ी अच्छी माइलेज है 90 किलोमीटर के हिसाब से। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 90.2 किलोमीटर्स ये गाड़ी चल चुकी है। चलिए दोस्तों, फाइनली मिलते हैं अपने नेक्स्ट फ्यूल अप की तरफ। तो दोस्तों, फाइनली फ्यूल पंप आपके सामने आप देख सकते हैं, और अगर आपको अपने स्पीडोमीटर की तरफ लेके आऊं तो यहां आप देखेंगे 24747 यानी कि 100 किलोमीटर 100.1 किलोमीटर यानी कि 100 मीटर ज़्यादा हो चुका है। 2 घंटे 25 मिनट लगे, 41 की मेरी एवरेज स्पीड रही और 17.8 की माइलेज ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए अब कराते हैं अपना फाइनल फ्यूल अप और फिर आपको बताते हैं क्या फीडबैक है इस गाड़ी की माइलेज का हिल्स के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब करा लेते हैं अपना फाइनल फ्यूल अप और फिर देखते हैं क्या रही इस गाड़ी की फाइनल माइलेज। यहाँ पे डीजल का रेट 80 है, डीजल का रेट 80 है, 80.7।
104 रुपये 6.24 लीटर्स और यहाँ का रेट है 80.87। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा 100 किलोमीटर टाटा सफारी XZA+ ऑटोमेटिक सभी फीचर्स के साथ हमने हिल्स में चलाई और ये दोनों पर्चियाँ आपके सामने हैं। सबसे पहली पर्ची जिसमें हमने 3800 रुपये का फ्यूल अप कराया था और दूसरी पर्ची जो 500 रुपये का फ्यूल अप कराया, ये आपके सामने है फ्यूल पंप। और एवरेज की अगर बात करें तो कैलकुलेटर में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 100.1 किलोमीटर हमने व्हीकल को ड्राइव किया और कितने लीटर्स फ्यूल आया 6.24। तो 6.24 से डिवाइड कर देते हैं, 16.04 की माइलेज आई है। और टाटा सफारी ऑटोमेटिक इतनी बड़ी गाड़ी और वो भी हिल्स में, तो आप देख सकते हैं किस तरह की माइलेज रियल लाइफ में ये टाटा सफारी निकालती है। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।